हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवशीष फ्रॉम सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है रिवीजन नी सर्जरीज, रिवीजन नी रिप्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहला सवाल आता है, रिवीजन नी रिप्लेसमेंट होता क्या है? रिवीजन मतलब कि रीडू, मतलब कि सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम हम किसी कारण से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को कर रहे हैं। नी रिवीजन मेनी टाइम्स फेलियर ऑफ सर्जरी, इनिशियल सर्जरी के कारण होता है। फेलियर के कारण क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। जो प्राइमरी सर्जरी, फर्स्ट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई, उसके फेलियर के मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है? नंबर वन, इम्प्लांट लूजनिंग और एसेप्टिक लूजनिंग। बहुत समय क्या होता है कि एक दिमाग में ये होता है लोगों के कि इम्प्लांट जो हमने कर दिया है वो कभी लूज नहीं हो सकता है, एक बार सर्जरी हो गई तो वो ढीला नहीं पड़ सकता है। जी हाँ, ये ढीला पड़ सकता है क्योंकि मेनी टाइम्स हम एक्टिविटीज करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को ये दिमाग में होता है कि एक बार नी रिप्लेसमेंट करा लिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इसको ध्यान रखिए, आप जितना चलेंगे उतना ज्यादा एसेप्टिक लूजनिंग या लूज होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो डिसयूज एट्रोफी के कारण सिलेक्टिव ऑस्टियोपेनिया अंडरनीथ, मतलब कि बोन्स के और मेटल के इंटरफेस जो है उसके बीच में ऑस्टियोपोरोसिस या बोन सॉफ्टनिंग होगी, जिसके कारण मेटल लूज हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट के बाद चलना फिरना एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बहुत समय ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, मतलब कि हड्डी टूट जाती है जिसके कारण इम्प्लांट बाहर निकल जाता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा एकमात्र चीज है जिसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर इम्प्लांट जरूरी है कि ट्रीटेबल हो, ट्रीट करें उसे हम, जिसके लिए एक्सरसाइज एक्टिविटीज रेगुलर चाहिए। नंबर टू, विटामिन डी हाई चाहिए, प्लस कुछ ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंशन की मेडिकेशंस जो कि आपके डॉक्टर रेगुलरली आपको बताएंगे लेने के लिए। थर्ड रीजन, क्यों नी रिप्लेसमेंट में रिवीजन की जरूरत पड़ती है? मेनी टाइम्स इंजरी, जैसे चलते हुए आप कहीं गिर गए या कहीं से स्लिप करके नीचे गिर गए, जिसके कारण आइदर इम्प्लांट के नीचे फ्रैक्चर्स क्रिएट हो गए या लिगामेंट इंजरीज हो गई, इनके कारण भी रिवीजन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। चौथा कॉज जो है, इन्फेक्शन। मेनी टाइम किसी और सोर्स से, जैसे बॉडी के कहीं पे इन्फेक्शन है, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है, टमी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है या डेंटल इन्फेक्शन है, जिनसे कि बैक्टीरिया ट्रेवल करके मेटल जहां पर जुड़ा रहता है पुराने मेटल्स में, उनमें जाके इन्फेक्ट कर देता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम से जॉइंट्स पे सर्कुलेशन आ रहा होता है और उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक और रीजन है नी रिप्लेसमेंट का फेल होने का। पांचवा कॉज है मैल अलाइनमेंट। किसी कारणवश अगर हमारा अलाइनमेंट 100% स्ट्रेट नहीं हुआ, वेरस डिफॉर्मिटीज आ गई या वेलगस डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा आ गई, उनके कारण भी इम्प्लांट फेलियर होता है, क्योंकि इम्प्लांट आपका जल्दी घिस जाएगा क्योंकि इम्प्लांट सही अलाइनमेंट में नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा लास्टली कि एक्सेसिव वियर, मतलब कि आपका इम्प्लांट जल्दी घिस गया या घिस गया। लोगों को बताऊंगा कि इम्प्लांट मैक्सिमम टाइम, ये जो लास्ट कॉज मैंने बताया, ये वेरी रेयरली होता है, मतलब कि आपने यूज किया और घिस गया। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट करा के हमें उसे बचा के रख लें ताकि वो लंबा चले। तो प्लीज ये समझ लीजिए, आपको अगर उसे चलाना है दिन में 5 से 10 किलोमीटर डेली अगर चलते हैं किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी का इम्प्लांट, तो वो कम से कम 20 से 25 साल बाद ही घिसेगा अगर आप इतना 5 से 10 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। ठीक है, तो 20 से 25 साल अगर कोई और इश्यू नहीं रहा है तो इम्प्लांट नहीं घिसेगा, इम्प्लांट यूज करने से बेटर चलता है, ये बात आपको दिमाग में डालनी है। हम ऐसे क्या चीज करें जिसके कारण नी रिप्लेसमेंट जो है हमारा फेल ना हो? बहुत समय लोगों का ये सवाल रहता है कि नी रिप्लेसमेंट फेलियर लेटर ऑन ना हो, मेरी सर्जरी अच्छी हुई है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, साल भर हो गया है, तो क्या ऐसी चीजें करूं जिनसे कि नी रिप्लेसमेंट फेल ना हो? नंबर वन, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए बोन स्ट्रेंथ को बनाए रखिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए आपके दरवाजे में आपने एक हैंडल लगाया, बहुत महंगा हैंडल, हैवी हैंडल लगाया ताकि टूटे ना, बट आपके दरवाजे की लकड़ी ही सॉफ्ट हो गई है। सो आप जितना भी अच्छा हैंडल लगा लीजिए, दरवाजे की लकड़ी अगर सॉफ्ट है तो वो बाहर निकल आएगी। सो उसको बचाने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हमारी अगर स्ट्रांग है और बोन को हमें स्ट्रांग रखना है, तो क्या करना है? ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट डेफिनेटली करें। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके लिए आप अपने सर्जन से मिले, बहुत सारी मेडिसिन या हो सकता है बहुत सारे तरीके बताएंगे जिनसे कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचे, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक। सिंगल एक एक्सरसाइज वॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोन स्ट्रेंथ, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। नंबर टू, रेगुलर इंटेक ऑफ विटामिन डी।
एंड थर्डली हाई प्रोटीन डाइट, मतलब प्रोटीन्स बहुत जरूरी है, सीमेंट की तरह काम करते हैं बोन्स के अंदर, तो उनका रेगुलर इंटेक हम एज के साथ बढ़ाएं, नहीं घटाते नहीं है, लोग यूजुअली एज के साथ कम खाने लगते हैं और प्रोटीन्स अवॉइड करने लगते हैं। तो प्लीज हाई प्रोटीन, विटामिन डी एंड वॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है, इम्प्लांट की लॉन्गेविटी को बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड, हाउ टू प्रिवेंट रिविजन सर्जरीज। अगर आपकी सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी अच्छी हुई है, देन प्लीज डू विजिट योर डॉक्टर एवरी ईयर और वंस इन टू ईयर्स, जरूर मिले आपके जिनसे सर्जरी कराई है। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट एक्सरेज, बोन डेंसिटी करके अर्ली लूजनिंग, अर्ली प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, जिनको कि बहुत समय मेडिकेशन एक्सरसाइजेस से ही ट्रीट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, एक बार सर्जरी करा के डॉक्टर के पास कभी वापस नहीं जाते हैं। So, सबसे गलत चीज है, आपको ये समझना है, जब भी इवन हम गाड़ी भी खरीदते हैं हर साल सर्विसिंग होती है, उसी तरह अगर आपने इम्प्लांट की कोई सर्जरी कराई है तो प्लीज डू विजिट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका एक दिन का एक टाइम बर्बाद हो जाएगा, आई थिंक वो बहुत जरूरी है, और उस टाइम से आपका हो सकता है लॉन्गिटिविटी ऑफ इम्प्लांट बनी रहे। तो मेरी एडवाइस है, साल में एक बार या दो साल में एक बार एटलीस्ट एक्सरेज और बोन डेंसिटीज के साथ अपने डॉक्टर को जरूर मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली फेलियर्स या लेट फेलियर्स को बचाने के लिए प्राइमरी सर्जरी, जो कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। लोगों को ये दिमाग में होता है कि हम कहीं से भी सर्जरी करा लें या सबसे सस्ते में जहाँ पे हो रही है वहां से सर्जरी करा लें। मेरा ये मानना है कि दोस्तों, पहली सर्जरी अगर अच्छे से की है तो रिविजन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी इम्प्लांट जो अच्छे से लगाया गया है, तसल्ली से लगाया गया है, वो सालों साल चलेगा, 20, 25, 30 साल तक चलेगा, अगर वो इम्प्लांट करेक्ट अलाइनमेंट में, करेक्ट पोजीशन में, करेक्ट सीमेंटिंग के साथ अच्छे से पुट किया गया है। सो बहुत जगह लोगों को ये होता है कि हमारी सर्जरी जी हमें 10 मिनट में करानी है, लॉन्गर ड्यूरेशन सर्जरीज नहीं चाहिए। तब तक तसल्ली होनी चाहिए जब तक कारपेंटर अपने काम से खुद खुश ना हो, ठीक है। सो अब हम जब भी नी रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं तो आप डॉक्टर को जरूर ये बोले कि तसल्ली से, अच्छे से करिए, जल्दी नहीं है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करना फर्स्ट सर्जरी में सबसे पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट है। हम तसल्ली से, अच्छे से सर्जरी करें, वो जरूरी है ताकि लॉन्गिटिविटी बनी रहे सर्जरी, इम्प्लांट लंबे दौरान तक रहे हमारे अंदर, ठीक है। अलाइनमेंट, सीमेंटिंग, परफेक्ट लिगामेंट बैलेंसिंग, ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी को बढ़ाते हैं। सिर्फ किसी पर्टिकुलर इम्प्लांट से नहीं होता है, ये सर्जिकल स्किल है जिससे कि इम्प्लांट की लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब लोगों को परेशानी आने लगती है तो इम्प्लांट अगर हमारे बॉडी में लगा हुआ है तो वो क्या करते हैं, बहुत साल खींचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इम्प्लांट में अगर आपको कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डॉक्टर के पास प्लीज जल्दी विजिट करें। बहुत समय माइनर चीजों से ही रिविजन सर्जरी को बचाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी पेशेंट विजिट करते हैं तो काफी दिनों बाद, सोचिए उनको इस साल प्रॉब्लम हो रही है तो 4-5 साल बाद वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर डॉक्टर क्या कहेगा, सब कुछ ठीक है, वही तो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, उसे नजरअंदाज ना करें, लेट हिम एग्जामिन यू, लेट हिम डू एन एक्सरे एंड से कि सब ठीक है, इतना भी काफी होता है। तो लेट प्रेजेंटेशन बिल्कुल ना करें, जिससे कि सर्जरीज को, सेकेंड सर्जरीज को बचाया जा सकता है। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा है कि रीडू सर्जरीज आर फेलियर। मैं आपके दिमाग में ये बात डाल देना चाहता हूँ, रीडू सर्जरीज इफ डन प्रॉपरली दे कैन गिव ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट एज फर्स्ट प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। आप इन सब चीजों से ना डरे, अभी इम्प्लांट के बहुत सारे वैरायटीज, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है जिससे कि हम रिवीजन सर्जरीज को भी इवन अच्छी तरीके से और उनके रिजल्ट्स को भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर और घबराइए नहीं। अगर सर्जरी बोली भी है, रीडू सर्जरी भी बोली है, तो ऐसा नहीं है कि रीडू सर्जरी के बाद आपकी लाइफ हेल होने वाली है। रीडू सर्जरीज के बाद भी 15 से 20 साल के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं अभी, जिनमें कि इम्प्लांट सर्वाइव कर रहा है। सो प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वेयर वी कैन डू रीडू सर्जरीज एंड लॉन्गिटिविटी, एक्टिविटी, सारी चीजें सिमिलर पा सकते हैं प्राइमरी सर्जरी के जैसी। सो इसके लिए जरूरी है अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सो एट सक्षम वी आर केपेबल एनफ, वी आर सक्षम एनफ टू डू एंड डील विद these type of revision surgeries as well। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज डू
गिव अस ए चांस कि हम आपको बताएं और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करें कि नी रिप्लेसमेंट में रिविजन सर्जरीज में क्या क्या किया जा सकता है। रिविजन सर्जरीज सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए भी उनका वैलिडिटी आ गया है अभी, तो घबराइए मत। हमें कॉन्टैक्ट करिए इंस्टाग्राम हैंडल पे, सक्षम ऑर्थो को फॉलो करिए, अपने सवाल पूछिए, हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू।